राउंड को क्यों काई हो या काई तकलीफ हुई? ग्राउंड आलो पग भरीज गया ग्राउंड बहुत हार्ड हो हार्ड बहुत हार्ड हो पहली बार तो फर्स्ट बढ़ती है फर्स्ट बार था रेट बहुत ज्यादा थी रेट ज्यादा है तो बोल तो रहे हैं जमाया हुआ है ग्राउंड जमाया हुआ नहीं है मतलब जूते पहन के नहीं दौड़ सकते ना नहीं नहीं जूते पहन के नहीं दौड़ सकते तो कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए थे आप लास्ट पोजीशन पीछे से मतलब अगर पीछे से काटना है तो बहुत ज्यादा ताकत चाहिए उदयपुर में अब ये बार नहीं हुआ पीछे चला उदयपुर में क्या था एक्सलेंट थी इस बार पास नहीं हुआ मतलब उदयपुर वाले काफी बच्चे फेल होके आ रहे हैं जो उदयपुर में पास थे एक 70 वाला बार है आपकी आपकी टाइम कितना था भाई उदयपुर में 4-58 आपकी बार 5-5 फिर भी नहीं हो पाए कौन सी पोजीशन में बैठे हुए थे सबसे पीछे लास्ट लाइन में आप हाँ भाई एक 70 वाला फिट है भाई सभी भाई सुन लो इस भाई की हाइट 1.70 है और ये फिट हो क्या है कल काफी बच्चों को आउट किया था लेकिन कल का जो असर है आज दिखा है बच्चों को आउट नहीं किया आज आज बच्चों को वहाँ पे फिट किया गया सही है भाई आप सभी दौड़ के आगे पीछे वाले का नंबर है नहीं पीछे वाले का नंबर नहीं है मतलब पीछे वाला कल भी बच्चा पास हो गया है कल दो नहीं, 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 अंडर है ना वो पीछे वाले 5 अंडर वाले भी नहीं आ रहे आगे वो नहीं आ रहे नहीं, नहीं। लेकिन कल तो पास हो गया है भाई कल तो मैंने 2-4 बच्चों का ट्रैक बहुत छोटा है काटना मुश्किल है थर्ड राउंड तक 100 बच्चे अंदर दौड़ते हैं आपका टाइम कितना आता है टाइमिंग आता है 5:30 के आसपास 5:30 के आसपास तो 5:30 और 30 मीटर पीछे बैठे तो कहाँ से नंबर आएगा भाई ऊपर से मिट्टी ज्यादा है ना वहाँ पे और कोई समस्या नहीं हो रही डॉक्यूमेंट वगैरह में किसी एक दसवीं दोबारा वाले कुछ आउट कर रहे क्या दसवीं दोबारा वाले डॉक्यूमेंट वगैरह दसवीं दोबारा वाले बस किसी तरह बाहर ही निकाल रहे अंदर लेने का कोई चांस नहीं बाहर ही निकाल रहे तो अंदर रह गए तो फौजी बन जाएंगे फिर है ना अंदर रख ही नहीं रहे बाहर ही निकालो कैसे बाहर ही निकालो दसवीं दोबारा वाले है क्या कोई लेवे आउट नहीं करे या तो बढ़िया चीज है कि आउट कर रहे हैं दस दोबारे वाले भाई आप भी दौड़ के आगे आपकी हाइट कितनी है हाइट 173 है 173 है अच्छा दौड़ दौड़ होगी मतलब मेडिकल में अभी हाइट में नहीं निकाल रहे ना बच्चों को बिल्कुल नहीं निकाल रहे किसको निकाला 171 थी हाइट में निकाल दिया कितना था 171 आउट कर दिया पूरी पूरी है लेकिन यार ज्यादा तो नहीं लग रही है बराबर से दिख रहे हो तुम लंबा है लंबा है लंबा कैसे हो गया यार आपके 173 है इसके 171 है बराबर से दिख रहे हो तो उधर ऐसे दबाया था के नीचे नहीं फिर ऐसे आउट कर दिया ओके 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 आपकी आप कौन से बैच में दौड़े थे पांच नंबर बैच कितने बच्चे पकड़ रहे हैं 17 बंदे पकड़े पांच नंबर में 17 बच्चे उससे आपसे पहले दौड़े हैं उनमें कितने कितने बच्चे पकड़ रहे हैं उसमें भी 20 के लगभग थे 20 के लगभग मतलब आज का रेशियो यही है कि 20 के लगभग लगभग कम ही चल रहे हैं 15 से 20 15 से मतलब 20 से ऊपर नहीं पकड़ रहे आप कौन से बैच में दौड़ गया है भाई दौड़े नहीं आप कौन से बैच में दौड़े आप भी नहीं दौड़े आप छह नंबर में कितने बच्चे पकड़े 30-35 भाई आपको आगे 30-35 ही दिखाई दिए होंगे 30-35 तो किसी में नहीं पकड़ रहे यार है ना 30-35 मेरे से आगे थे आज आप 30-35 आगे थे मतलब आपने काफी ज्यादा हिम्मत की दिखाई है ना वहाँ पे आप सारे दौड़ के आ गए क्या बाकी सारे अरे डरो मत भाई ये आपके भाइयों के लिए जानकारी के लिए इधर ही नहीं है ना आजा आप भी दौड़ के आगे कौन से बैच में थे भाई मैं चौथे बैच में चौथे बैच में कितने बच्चे पकड़े 11 बच्चे 14 नंबर पे था 14 नंबर पे थे 11 बच्चे पकड़े आपका टाइम कितना आता था टाइम कितना आता है आपका आपका 5 मिनट आ रहा था कौन सी पोजीशन में बैठे हुए थे पोजीशन में मैं 10वीं लाइन में बीच में आगे से भी पीछे और साइड से भी बीच में दोनों तरफ से बीच में थे फिर भी काटते काटते 14 पोजीशन तक पहुंचे 11 पकड़े आगे नंबर आता था इसके शॉर्ट पास थी दौड़ पास थी उदयपुर भर्ती देखी आपने नहीं पहली भर्ती थी पहली भर्ती थी
अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बैच कितने का बन रहा है? 200 लोगों का बैच बन रहा है, मतलब 200 में आप 14 20 20 की 10 लाइन। हाथ का फासला देके बिठा रहे क्या? बिल्कुल, एक बंदा यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे, बस कितना फासला दे रहे? पूरे एक हाथ का टच करते हुए, पूरे एक एक हाथ का फास। बेटा की करवा रहे हैं? बेटा के बाल गुटी मार के बैठना है। अच्छा, बिठा के उधर से गो किया जा रहा है, बाल गुटी मार के बैठना। अभी एक ये शिकायत आ रही है बच्चों की कि वहाँ पे गो बहुत स्लो बोला जाता, पता नहीं चलता। स्लो बोला जाता, पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। अगर एक्टिव नहीं रहा बंदा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कब गो बोल दिया। तो आगे वाले को पता चलेगा, पीछे वाले को? पोजीशन में बंदा आगे बैठ गया तो मान लो 5:30 वाला बंदा रनिंग मार सकता है, और वो तो हम गारंटी नहीं है। बैठने की पोजीशन है, प्लाती मार के बैठना पड़ेगा, प्लाती मार के बैठना पड़ेगा। और वो पता नहीं कब बोलेंगे, जो बोलेंगे बातों बातों में करके फिर गो बोलेगा। अच्छा, पहले बातें लगाते हैं उसके बाद में गो बोला जा रहा है। उसको लास्ट में पीछे भेज दिया जाएगा, प्लाती मार के नहीं बेटा, उसको पीछे भेज रहे हैं। कुछ नहीं है, आर्मी के अंदर अनुशासन की सब जरूरत है। जो बंदा अनुशासन नहीं रखेगा वो अपने आप पीछे जाएगा। अच्छा अच्छा, उसको उठा के पीछे भेजा जाए, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज देखी जा रही है वो अनुशासन है। बंदे का अनुशासन, और किसी भी मतलब डिफेंस का नहीं होना सही है शर्ट, आर्मी का शर्ट पहना नहीं होना सही है, क्योंकि उनकी गलती है, क्यों पहनते वो? सही बात है, सही बात है। और इसमें 5:30 वाला बंदा रनिंग मार होता है, जो आगे बैठ गया तो आगे बैठ गया, मार पीछे बैठ गया तो 5 मिनट वाला मार सकता है, पीछे बैठ गया 4:30 वाला पीछे रह सकता है सबको। अच्छा अच्छा, मतलब अभी कोई कंपटीशन की तरह जो पीछे नंबर आ गया ना, अगर उसकी टाइमिंग 4:50 भी आ रही है तो वो 50-50 है, पास होगा नहीं होगा। तो सब पीछे नंबर आ गया तो 50% नहीं, गुड में आ जाएगा, गुड में आ सकता है, गुड मार देगा। एक्सीलेंट भी मारा है कल बच्चों ने, कल बंदे ने एक्सीलेंट पीछे बना, बंदे ने एक्सीलेंट मारा, अभी भी मेरा बंदा अंदर एक्सीलेंट मार गया, अभी एक्सीलेंट मार गया। Okay. सबसे पीछे बैठा, सबसे पीछे बैठा था। गुड यार, ये एक पॉइंट वाली बात है कि आप अगर आपके अंदर दम है तो आप पीछे से भी एक्सीलेंट मार सकते हो। पीछे बैठा मेरा पिछली भर्ती में एक बंदा था, पर हम सारा नाम कर उस बंदे ने साइलेंसर खोला तो एक्सीलेंट मार के बताइए। ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।